हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा मेकअप करने वाली है मेरी 8-year-old डॉटर, और ये बहुत ज्यादा खुश थी सुबह से, क्योंकि मैंने इसको बड़े दिनों से प्रॉमिस करके रखा था कि मैं आपको अपने फेस पे मेकअप करने दूंगी और मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि माय डॉटर डज माय माय 8-year-old डॉटर डज माय मेकअप। तो शी इज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी ऑल्सो। त्रिशा, तो चलिए शुरू करते हैं। और पूरा का पूरा मेकअप मैंने इसके आगे डिस्प्ले कर दिया हुआ है अपना, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसको दिया है करने को। इसके सारा अपना चॉइस का है, और इसको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे है, तो मेरे साथ इसको भी आ गया क्योंकि ये बचपन से देखती आ रही मुझे मेकअप करते। तो अभी ये मेरा मेकअप करेगी। तो पिशा, आप सबसे पहले क्या लगाओगे मेरे फेस पे? सबसे पहले हमें क्रीम लगानी है। ओके, आपके पास कौन सी क्रीम है? मेरे पास है, देखो ना आगे नाम पढ़ो। ओके, फिर ब्लेंड करना अच्छी तरह से। ये बोरो प्लस जो होती है इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना चाहिए क्योंकि थोड़ी थिक होती है और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, स्किन के लिए अच्छी होती है ये? स्किन के लिए अच्छी होती है क्योंकि अगर हम पहली फाउंडेशन लगा लेते हैं तो फिर स्किन जो होती है वो थोड़ी रुखी रुखी सी हो जाती है। यू मीन ड्राई? हाँ, ड्राई हो जाती है। तो फिर मॉइस्चराइज करना जरूरी है। मॉइस्चराइज बहुत करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ऐसे सॉफ्ट स्किन नहीं रहेगी कि मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने कुछ ज्यादा ही लगाया है। सो गाइस, मैं क्रीम लग चुकी है इनकी, तो अब मैं लगाने जा रही हूँ फाउंडेशन। ये फाउंडेशन रॉयल की आप खुद देख लीजिए, ये रॉयल की है। बोला नहीं आता, चलो अब इसे ट्राई करते हैं कि कैसी लगी है। दिखाओ ना ऐसे करके कैसे डाल रहे हो। ब्यूटी ब्लेंडर को मैं इसके ऊपर टैप करूँगी और इनके फेस पे लगाऊंगी। कैसा मेकअप करोगे प्रिशा? मेरा बहुत ही अच्छा, आप देख के हैरान हो जाओगे। आप बड़े खुश थे ना? अभी भी हो? हाँ, आज तो आपको सारा मेकअप मिल गया, मम्मा ने आपको परमिशन दे दी, और क्या चाहिए आपको। आज तो आपको सबसे अच्छा दिन हुआ। ओके, अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। देख लीजिए कि फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। आज साथ साथ में सिखा भी रही हो ना? मैं साथ साथ में सिखा भी रही हूँ। इनके सारे पिंपल छुप जाएंगे। ब्लेंडिंग जो है वो सबसे जरूरी है। आई पे भी जरूरी है और यहाँ पे भी जरूरी है। जब हम लगाते हैं कुछ तो उसके ऊपर ब्लेंडिंग ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैंने ज्यादा नहीं लगाई, हो गया ब्लेंड। यहाँ से एक तरफ से अगर आप ब्लेंडिंग छोड़ दोगे तो दूसरी तरफ से वह तो पूरा दूरा ही ले जाएगा। अभी तो ब्लेंड नहीं हुआ अच्छी तरह से, टाइम लगेगा। टाइम लगता है ब्लेंड करने में थोड़ा सा, अगर आप बोर ना हो तो। बोर ना हो तो? नहीं, मैं नहीं हो रही बोर। नहीं, गाइस को बोल रही हूँ, जो व्यूअर्स हैं उनको बोल रहे हो आप कि आप बोर ना हो जाओ। थोड़ी कम है। ओके, अब आप और फाउंडेशन, बस इसको ऐसे ही रहने दो, खुला ही। नहीं, खुला नहीं, सूख जाएगी ना। जहाँ जहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा वहाँ वहाँ पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर पिंपल्स दिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा पिंपल्स तो नहीं है? ज़्यादा है? अरे अभी भी यहाँ पे एक पिंपल था। सो गाइस, फाउंडेशन लग चुकी है इनके फेस पे। सो अब मैं लगाने जा रही हूँ कंसीलर मेबेलिन का। अब मैं इनकी आईलेट पे लगा रही हूँ। आपने कहाँ से सीखा बेटा मेकअप? आपसे ही सीखा। तो अब जो सबसे बेस्ट पार्ट आता है, मैं ये वाला नहीं बोल रही, मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये है मिनी ब्लेंडर जो यहाँ पे लगाने के लिए होता है। शी इज वेरी एक्साइटेड टू यूज इट, क्योंकि जब से इसे ये देखे तब से इसको बड़ा मन है कि मैं मिनी ब्लेंडर्स को यूज करूँ। ऊपर देखो, क्यूट क्यूट है ना बेटा, ये छोटे छोटे बहुत क्यूट है। जब से है तब से मैं इनको देख रही हूँ, कितने क्यूट है। जब भी मैं मम्मा का मेकअप करूँ तब ये जरूर यूज करने में। इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी।
और गाइज मैं आपको एक बता दूँ, ये सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इनको यूज़ करना भी बहुत ईजी हो जाता है। थोड़ा ध्यान से कीजिए, आँखों में ना चला जाए। अगर आँखों में एक बार चला गया तो दर्द हो सकता है। ओके, थोड़ा ध्यान से ऊपर। सो गाइज इनको कंसीलर लग चुका है, अब मैं लगा रही हूँ क्या माई ग्लैम केपले कॉम्पैक्ट पाउडर। सो ये ऐसा है, ये प्रिटी है। इसके लिए मैं येलो ब्रश यूज करूँगी, ये सॉफ्ट है थोड़ा। तो कंसीलर को सेट करने के लिए पाउडर यूज होता है। सो गाइस इन्होंने थोड़ा कैमरा वो कर दिया। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ऐसे। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे ही करो। अब मुझे ये है कि आप मेरा आई मेकअप क्या करने वाले हो इसके बाद? मैं आई मेकअप, ये एक सीक्रेट है, सीक्रेट। लेकिन आप आई खोल के नहीं देखोगे, ये आप मुझसे प्रॉमिस करो। आईज नहीं खोलेंगे मुझे ना। ओके, तो गाइस अब मैं लगाने जा रही हूँ आई शेडो, ये फ्लावर रोज। ये इसकी फेवरेट पैलेट, बहुत पसंद है इसको। फ्लावर शो नाम भी दिखा देते हैं हम। हाँ, फ्लावर शो ये देखो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिर आई मेकअप, तो मुझे आईज बंद रखनी है जब तक आई मेकअप हो नहीं जाता। नो, तो गाइस मुझे थोड़ा ब्राउन में चाहिए। तो फिर मैं ढूंढोगे, मैं बताऊँ? ये वाला कोई बात नहीं, आप यूज़ कर लो, कुछ नहीं होता। आप ये ऐसे नहीं दिखेगा हमेशा। ओके, सो गाइस मैं डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। अब अपने आईज एकदम बंद रखनी है, थोड़ा सा दबा के करती हूँ। मैं देख रही थी। तो गाइस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। मुझे अपने से पूरी उम्मीद है कि मैं इनका मेकअप अच्छा करूंगी। ऐसे करूंगी, इनके फेस पे ब्लेंडिंग जरूरी है क्योंकि ये खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं और मैं भी बनना चाहती हूँ। थोड़ा सा और लगा देते हैं ताकि थोड़ा देख लूं। नॉट बैड। तो गाइस अब ये ब्राउन कलर लग चुका है, अब मैं चूज कर रही हूँ ये वाला ब्रश। ये पूरी तरह प्रिशा आपकी चॉइस है कि आप क्या क्या आई शेडोज चूज कर रहे हो आई मेकअप करने के लिए, है ना? ये तो आपका बहुत बड़ा ड्रीम था ना, मम्मा का मेकअप करना। आज वो दिन आ गया है ना। देखो अच्छा, अब ब्लेंड करने के लिए एक आइडिया आया है। ये वाला नहीं, ये ब्लेंड करने के लिए एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, इसको ठीक करने के लिए। थोड़ा चीप सा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अभी लुक को कंप्लीट होने में टाइम है। और आपको क्या लग रहा है? ठीक है, नहीं अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ, अब ग्लिटर लगाने लगी हूँ। हाँ, वो तो आप बड़ी देर से वेट कर रहे हो ग्लिटर लगाने, पता है। कौन सा लगाओगे? ये वाला ब्लू। ब्लू कलर? ये इससे पिक नहीं होगा, मैं आपको इसके लिए ब्रश बता दूँ या फिंगर से लगाओगे? मैं फिंगर से। ओह माय गॉड, दिखाओ तो सही पहले फिंगरों को उनको। वाओ, वैसे भी आपको ड्राइंग का तो बहुत ही ज्यादा शौक है ना? मुझे ड्राइंग ज्यादा मेकअप में शौक है। अच्छा, तो ड्राइंग में है, क्राफ्ट में है, डांसिंग में है। और सो गाइस अब मैं जो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर आता है, ये वाला इस पे इनर कॉर्नर पे मैं एक वाइट कलर का स्नो वाइट शेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको ठीक लग रहा है? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, जो भी आपको लगता है वैसे ही करो, फिर हम लास्ट में देखेंगे। ओके, इनर कॉर्नर्स में ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे मैं
ये वाला ब्रश इस्तेमाल करूँगी फ्लैट एकदम ना ऊपर देखो देखो थोड़ा अजीब लग रहा है तो अब आई शेडो एप्लीकेशन डन यस और अब हम लगाने जा रहे हैं आईलाइनर ये वाला ये कौन सा ये है आर्टिस्ट ऑफ मेकअप का आईलाइनर है वैसे आर्टिस्ट में हूँ नहीं प्रिशा उसका नाम है ऐसे वो पहले ऐसे शेक करो और फिर लगाना होता है ओके गाइस मैं आईलाइनर लगाने जा रही हूँ थोड़ा अजीब लग रहा है आपको सब कुछ अजीब ही लग रहा है लगाने के बाद आपको भी अजीब लगाना चाहते हो ओ मस्कारा आप लगा लोगे मुझे खुद लगाना आता है ऐसे मत करो ना हिलाओ मत आंखों को ऐसे ही होगा फिर नहीं आप आंख में नहीं डाल देना मुझे डर लग रहा है अरे ओके लग गया थैंक गॉड मुझे तो लगा था पता नहीं मेरी आंख बाहर निकाल लो अब मैं लगाने चाहिए आईब्रोज आईब्रोज बनाने चाहिए लॉरियल पेरिस हाँ ब्राउ आर्टिस्ट मेकअप किट के साथ दिखा दो ना कैसा है ऐसे दिखाओ ऐसा है ओके अब आईब्रो पे हमें एक आईब्रो की शेप बनानी होती है अब मैं लगाने जा रही हूँ मैं ब्लशर सो मैं उसके लिए ये वाली पैलेट यूज़ करूँगी आप कंटूर नहीं करोगे कंटूर भी करूँगी इसमें सब कुछ है पहले ब्लशर लगाओगे फिर कंटूर करोगे ब्लशर के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी तो मैं ये वाला करती हूँ सो प्रिटी वाला इसको भी ब्लेंड करना होता है सारा पता लेकिन आता कुछ ही नहीं है लगा तो लेते हो सब कुछ ऐसे सुंदर तो किया है आपने मेरी ब्लू आईज बनाई ना ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है कैमरा में कम दिख रहा है चलो कोई बात ओके तो अब मैं कर्न आर्म कंटूर इस ब्रश से करने जा रही हूं कंटूर सो मैं ये वाला यूज करती हूं आर्टिस्ट ऑफ मेकअप कंटूर पाउडर के साथ कंटूरिंग मेरी हो रही है फेस आप क्यों ऐसे बना रहे हो मैं ऐसे एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग अब देखोगे हैरान हो जाओगे जब आपके सामने असलियत आएगी असलियत आएगी तो कंटूर को वो यहाँ पे जो कंटूर यहाँ पे लगाते हो नोज कंटूर फोरहेड पे नोज कंटूर तो उसके लिए मैं ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ पर दिख नहीं रहा थोड़ा ज्यादा करती हूँ तो फोरहेड पे थोड़ा सा ही लगाऊंगी ज्यादा नहीं कैसे लगा आपको मेकअप बहुत अच्छा अभी आपने एक और चीज लगानी है हाँ एक और चीज लगानी हाइलाइटर हाइलाइटर मुझे लगा लिपस्टिक हाइलाइटर मैं भूल चुकी थी कौन सा लगाना चाहते हो पैक का ऐसे दिखा दो ऐसे वाला हाइलाइटर ये है हाइलाइटर पैक का उसका ब्रश उसके लिए मैं मुझे पता है आपका फेवरेट ब्रश है जो जिसके साथ आप लगाना चाहते हो ये ओके फेवरेट ब्रश फिर इसके साथ चलो जिससे भी लगाना लगा लो आप कर रहे हो मैं आपको बिल्कुल भी गाइड नहीं करूंगी थोड़ा बहुत बस ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत गाइड करूंगी पर ज्यादा नहीं बोलूंगी जिससे कि आपको ठीक लगता है प्रिशा कुछ नहीं दिख रहा तो प्रिशा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो मैं मेकअप आर्टिस्ट श्योर आर यू श्योर यस ओके तो अब
हम लगाने वाले हैं लिपस्टिक। सो गाइस ये है लॉरियल की हाँ की लिपस्टिक, तो ये नहीं है एकदम, तो मैं इसको अभी लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये नहीं लगाएंगे, हमें पहले अपने लिप्स को सॉफ्ट करना चाहिए। हाँ सब कुछ पता है आपको। हाँ गुड, आप सब कुछ जानते हो। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, थोड़ा साइड पे हो जाना, वहां दिख नहीं रहा। दिख क्या नहीं रहा? हो गया? मेरे पास एक वो आइडिया है, अगर आपकी लिपस्टिक फैल जाए तो आप कंसीलर लगा सकते हैं। ये तो मेरे पास पहले से एक प्रूफ था। प्रूफ? मैं जानती थी पहले से होगा। थोड़ी मिस्टेक्स कर दी हमने, तो हम इसे साफ भी कर से सकते हैं। तो मेकअप डन या कुछ और रहता है? अब और कुछ तो रहता है नहीं निशा। वन मिनट, थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लो, बस थोड़ा सा। कृष्णा और तो मेकअप सब हो गया, क्या लगाना बाकी है? थोड़ा फिर से हाइलाइटर। क्या करूं, मैं अच्छे से नहीं लगा था, इससे अच्छे से लगता है। तो पहले ही ले लेना था ये वाला ब्रश। सॉरी। लग गई ब्रश। तो मेकअप गाइस डन। तो ये रहा मेरा मेकअप जो कृष्णा ने आज किया है। फिर भी अच्छा किया है। अब मैं किस कर दूं? ये है मेकअप प्रिशा का किया हुआ, मैं थोड़ा क्लोज अप में आपको दिखा दूं। She was very very excited और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उसकी ये विश पूरी कर दी। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देती हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय कर पाए, इसकी प्यारी प्यारी बातें सुन ले जो ये बातें करती है। तो हाईलाइटर तो बहुत ज्यादा हो गया एक तरफ से, पर चलो बहुत अच्छा किया। लिपस्टिक भी अच्छी लगाई है, आई मेकअप। सो गाइस अब हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है और शायद मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूं। तो ये है मेरा मेकअप जो प्रिशा ने किया है और काफी हद तक ठीक अच्छा लगा मुझे, बस आई मेकअप थोड़ा ठीक नहीं हुआ और लिपस्टिक भी थोड़ी सी खराब होगी। पर फिर भी प्रिशा सिर्फ अभी 8 ईयर्स की है और अभी से इसको प्रिशा को बहुत ज्यादा मेकअप में इंटरेस्ट है और अगर इस की विश रही तो डेफिनेटली ये मेकअप आर्टिस्ट मेरे जैसे ही बनेगी और ये अपने क्लाइंट्स का मेकअप करेगी, है ना? तो आज प्रिशा आपकी बहुत बड़ी विश पूरी हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मम्मा का सारा मेकअप आपको छेड़ने को मिल गया है ना, जो कि आप काफी टाइम से लगाना चाहते थे, उसको यूज करना चाहते थे मेरे फेस पे, तो आज आपकी विश मैंने पूरी कर दी, है ना? अभी YouTube पे जाने वाली हूँ और अभी से YouTube पे जरूर देखना। मैं चाहती हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि इसके ऊपर मिलियन लाइक्स आएंगे। मिलियन मिलियन? अच्छा ये वीडियो पे? चलो ठीक है। अगर 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 आपको ये थैंक्स यू वॉचिंग, अगर आपको ये यूजफुल लगी तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, आप अपने छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो। चलो ठीक है, फिर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और बोलते हैं बाय बाय।